old. Yeah, dude. Command not recognized. Please repeat. यहाँ से बेड़ी पत्ते फेरी और दूसरी तरफ जाया जाता है गाड़ी से। ये यहाँ एक फूड ट्रक खड़ा है। ये सामने मंदिर है एक। रात को तो मैं आपको दिखा नहीं पाया, आप दिखाता हूँ दिन में। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का और क्या लेक है सामने। हम लोग अब दोस्तों निकल चुके हैं जंस्कर वैली के लिए। सो आज पहले हम लोग स्टे करेंगे जाकर प्राशर लेक पर, मंडी प्राशर लेक पर जाकर आज का हमारा स्टे होगा। या अगर कोई प्लान में चेंज आया तो वह आपको बता देंगे हम लोग। वैसे मेन है कि हम लोग प्राशर लेक पर ही रुकेंगे आज। खेत है, जैसी जमीन है, ये यहाँ पर लोगों ने गेहूँ कनक बो रखी थी, वो उसकी कटाई हो गई है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। देखिए भाई, ये हमने अपनी थार में लगा लिया एक ट्रे। इसे पूरा हमने स्क्रू नहीं, हमने इसको रिबिट बड़ा काम किया। ये देखिए ये रिबिट बड़ा बिल्कुल फिक्स हो गई, इससे फिर ये हिलेगी नहीं और आवाज भी नहीं करेगी। भाई टाइम हो गया 4:15 और मैं पहुंच चुका हूँ मंडी। ये है जी मंडी साहब, इस तरफ भी हमें जाना है राइट हैंड में। ये सामने है जी गुरुद्वारा साहब, ये देखिए मंडी का गुरुद्वारा साहब। चला गया कुल्लू के लिए और नीचे ये आ गया प्राशर लेक के लिए। ये 23 किलोमीटर है यहाँ से, प्राशर लेक है जो। अभी 23 किलोमीटर को तकरीबन हमें 40 मिनट लग जाएंगे अगर रूट सही हुआ तो। मेरा आइडिया कि मैं 6 बजे तक पहुँच पाऊँगा, देखते हैं। देखो भाई कितना नैरो रोड है ये, आगे आगे और नैरो होता चला जाएगा ये। ऑफ रोडिंग के पैच भी आ रहे हैं बीच बीच में। और भाई क्या देखिए, साथ में कितनी गहरी खाई है, खट चल रही है इसे। और ऊपर का जो नजारा देखो यार, दोस्तों यहाँ काफी भरा लैंडस्लाइड हुए थे, बारिश बहुत ज्यादा हुई थी। अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ बारिश हुई है और बहुत काफी पानी ज्यादा मात्रा में इस नदी में आया था। वो बंदे ने मुझे बताया है वहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में पानी आया था। देखो कितना पत्थर वगैरह बहा के साथ में लेकर आई है नदी ये। तो ये देखिए भाई, ये ना सारा जब पीछे बाढ़ आई थी ना मनाली में, तो ये सारा यहाँ, ये मैं जब आया था ना, ये बिल्कुल प्लेन एरिया था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था ऐसा कुछ भी यहाँ पर। ये कितना नुकसान किया है पानी ने इस जगह।
सकते हो आप, एक तो अचार बेच रहे हैं और है काठू, वो तो बाथू होता है ना, बाथू। अच्छा तो पढ़ते भी हो आप? जी। पढ़ते हो? स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में? फोर्थ। ऐसे एक फिफ्थ में एक फोर्थ में। चलो बढ़िया, अपनी दादी की हेल्प कर रहे हो। आने के लिए ए, मुझे बनाना नहीं आता, मैं ले गया थी पिछली बार। अरे हमारी जिम जो सामने का जंगल है, बहुत घना जंगल है, एकदम अपने पंजाबी संघना जंगल है, कितना घना जंगल है। इस जंगल के बिचों लंघ के जाना आप, बिल्कुल है ना, हम आप टॉप पे आ गए हैं, एन बिल्कुल पहाड़ के बिल्कुल टॉप के ऊपर आ गए हैं। तो देखिए भाई, कितना खूबसूरत लोकेशन है यहाँ की, बिल्कुल हम लोग एकदम टॉप पे आ गए हैं, अभी और ऊपर जाना है। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, ये पल्सर खड़ी है। नज़ारा देखिए गाइस, क्या खूबसूरत नज़ारा है यार, ये बाइक देखो कितनी सोहनी लग रही है खड़ियाँ। देखो भाई, ये लैंडस्लाइड एरिया है, काफी नैरो सा रोड है यार, ट्रास्टर लेक का जो रोड है ना, अभी तो थोड़ा रोड की कंडीशन मुझे अच्छी लग रही है, बना हुआ है। जब मैं पहले आया था उस वक्त तो बहुत ज्यादा हालत खराब थी इस रोड की भाई। मौसम बहुत खूबसूरत हो गया यार, एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया है, ये तो गर्मी में राहत मिल रही है यार इस तरफ आकर, बड़ा ठंडा सा मौसम। और यार देखो कितनी हरियाली है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ये जंगल, यहाँ से ये घना जंगल शुरू हो गया है। और रोड की कंडीशन तो आप देख रहे हो, थोड़ी खराब आने लग गया, लैंडस्लाइड एरिया आने लग गया है ज़्यादा, बरसातों में आप अवॉइड कीजिए इस तरफ आना। दोस्तों कितनी खूबसूरत लग रहा है यार ये इस वक्त रोड, और गाड़ी रोड पर चलती हुई उन तो नागिन की तरह मिलती हुई जा रही है। पीने के लिए पानी निकल रहा है, ये देखो बीच में से निकल रहा, कहीं ऊपर से आ भी नहीं रहा, बिल्कुल बीच में से निकल रहा है, मिड धरती के बीच। देखिए भाई पानी भरा जा रहा है, बड़ा आड़ा टेढ़ा सा रोड आ गया यार, बड़े जबरदस्त से मोड़ है, एडवेंचर वाला रोड आ गया ये। और यार ठंड बड़ी हो गई है, मैंने तो कैपरी पहन रखी है और हाफ बाजू की टी शर्ट, आप पूरे कपड़े पहनने पड़ेंगे। ये ऊपर एक कैंप साइट है, किसी ने बना रखी है, देखिए सामने। अगर आप यहाँ पर टेंट वगैरह में रहना चाहते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मिल जाएगा। दोस्तों वो देखिए, वो सामने आग लगी हुई है यार, ये बड़ा काम गलत करते हैं लोग जो आग लगा देते हैं ना, क्योंकि जानवर भी बेचारे जल जाते हैं बीच में, और कुछ पेड़ पौधे भी नष्ट हो
तो दोस्तों हमने ना जो प्राचर लेक से 1 किलोमीटर पीछे ही एक नीचे को रास्ता कट होता है, यहाँ कैंपिंग साइड है, क्योंकि वहाँ आगे फिर ना लोग रश ज़्यादा होता है, जहाँ लोगों ने गंदगी ज़्यादा डाल रखी होती है, यार थोड़ा रास्ता ख़राब है, मैं नीचे पहुँच के शूट करता। तो दोस्तों काफ़ी रोड ख़राब है, पूरी फुल ऑफ रोडिंग है, बड़ी मुश्किल से गाड़ी लेकर आए हैं। देखिए जिमनी को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो उसकी हालत क्या हो। रोड काफ़ी ख़राब है, रास्ता ये भाई जिमनी भी पहुंच गई। दोस्तों सनसेट हो रहा है, थोड़े से यार हम लोग लेट हो गए हैं, लेकिन ये देखिए यार मौसम बड़ा ठंडा है, यहाँ पर काफी ठंड है। तो दोस्तों देखिए भाई गाड़ियाँ हमारी लग गई हैं, अभी लाइटिंग वगैरह लगाते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि लेट हो गए यार। एक हमारे आगे गाड़ी चल रही थी, वो बंदा बड़ी धीरे धीरे डर के गाड़ी चला रहा था, तो 7 बज गए हैं। तो चलिए भाई जल्दी से अपना लाइटिंग वगैरह लगाकर फिर कुछ खाने के लिए बनाते हैं यार। सुबह से वो खाया हुआ है, क्या बोलते थे, पोहा। कुछ ऐसी लोकेशन है ये देखिए, यहाँ रात को थोड़ी कमी दिखाई दे रही होगी, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का यार, बहुत ज़्यादा ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो लीजिए भाई क्या लोकेशन मिली है यार, एक नंबर। आप भी फर्स्ट टाइम आए हो ना भाई? नहीं मैं यहाँ। तो दोस्तों देखिए भाई हमने ना रास्ते में आते वक्त ये अपनी जो एक ट्रे होती है ना हमारी सेल्फ किचन ट्रे, ये सुनील भाई लेकर आए हैं, तो हमने रास्ते में इसको इसकी फिटिंग करवा ली है, तो आज हम लोग इसका उद्घाटन करते थे यूज़। उन्होंने लगाई ना बंदे ने, उन्होंने बोला था कि भाई ये थोड़ी हार्ड काम करेगी, कि फिर नहीं तो रास्ते में ये थोड़ा हिलडुल की आवाज़ नहीं आएगी। काफ़ी सॉलिड ओरिजिनल महिंद्रा की है ये थार की। तो अब ये हमारा हो गया किचन, इसके ऊपर चूल्हा वगैरह रखने के लिए एक सेल्फ मेरी इधर हो गई है, ये इसको भी मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, इसके ऊपर बीच में हाइड्रोलिक जैक लगा दिया है, तो इसके ऊपर भी आप ये नीचे नहीं जाएगा, इसके ऊपर चॉपिंग वगैरह कर लेंगे, यहाँ चूल्हा रख के अपना खाना दाना बना लिया करेंगे, है ना। मिनट में बताओ कैसा लगा आपको ये सेटअप? बढ़िया लगा। तो लीजिए भाई बॉनफायर हमने शुरू कर लिया है, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, आग जला ली है हमने, धीरे धीरे जलती रहेगी। और आज बनाएंगे पनीर टिक्का, कोशिश तो पनीर टिक्का भी बनाएंगे। पत्थर नहीं लगाया पाजी, कर तो रहे हो आप गलत ही। लगा लेंगे बाद में। कैसे भाई? देखिए पानी डाल लिया है हमने, दूध सब कुछ मिक्स ही करके रख लिया, ये गया मीठा और ये गई लिप्टन की ताज़ा चाय। ये जिसको लिप्टन की चाह हो वो आ जाए। अरे यार लाइटियाँ आ रही हैं बीच में, चलो चाय पत्ती गई। ये है मेरा मसाला स्पेशल चाय का, ये भी डाल देते हैं ना। दूध की कोई दिक्कत नहीं है, दूध मैं भी ले आया हूँ। मसाला तो ज़्यादा तेज हो गया होगा। तो भाई चाय बन रही है हमारी, साथ में बोन फायर हो गया है रेडी, और इसी के साथ होता है हमारा, और लाइटिंग शुरू हो रही है। देखिए लाइटिंग भी शुरू हो गई है, उजाला हो गया है। तो लीजिए दोस्तों चाय हमारी बन गई, बॉयल हो गई है, बस थोड़ा सा इसे पका लेते हैं अच्छी तरह से, फिर सर्व करते हैं सबको, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है यार। सो लीजिए भाई चाय हमारी रेडी हो गई, मिल गई है, सब पी रहे हैं चाय, एंजॉय हो रही है। और आग बुझ गई यार, कैसी बनी भाई चाय? चाय एकदम फर्स्ट क्लास। अरे पाजी के किचन की चाय कभी खराब हो सकती है क्या? आज भाई कुछ हमारे नए दोस्त आ गए हैं, और एक गाड़ी और एक बाइक, ये भी कैंपिंग करने आए हैं यहाँ पर।
अभी सेटअप वगैरह लगाते, बाद में मिलते हैं इनसे। और हमारे सुनील जी अपना टेंट खोल लिया इन्होंने, अब इसकी तैयारी कर रहे हैं टेंट की। तो देखिए भाई, ये मैंने पनीर टिक्का का बैटर तैयार कर लिया जो मैरिनेशन है। तो और अभी मैं जो वेजिटेबल सब्जियां हो गए, शिमला मिर्च हो गया, प्याज हो गया और टमाटर, इनको चॉप करूंगा और इसमें डालेंगे थोड़ा पनीर। इसको मैरिनेट करके तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रख लेंगे। और फिर आग तो हमारा इधर जल ही रही है, इसके ऊपर रख के फिर जल्दी से पनीर टिक्का बनाते हैं और फिर खाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो भाई शिमला मिर्च को हमने मोटा मोटा काट लिया है, तो अभी हमारा रह गया है टमाटर भी। तो पहले शिमला मिर्च वगैरह सारी काट लेते हैं ना बस। तो देखिए भाई पनीर काट रहे हैं, अब इसको करेंगे छोटे छोटे पीस। सिद्धू मूसेवाला ना भाई गाने वाले का जब बात, मैं हर्षल नूं जानदा सी रास्ते ते ना, ओह चुगिया नहीं आ रही एक सड़क ते, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਟਰੋਫੀਆਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੇਣ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਭਾਜੀ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇਖੀਏ ਬਈ, ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਸੀਖ ਹੈ ਔਰ ਅਬ ਇਸਕਾ ਹਮ ਕਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਨੇ ਕਾ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਟਮਾਟਰ टमाटर तो बाद में लगा देंगे, पहले पनीर लगा लेते हैं। ये मोटू सा पीस पनीर का लगा देंगे एक, थोड़ा सा गैप रख के। अब इसके साथ टमाटर जाएगा, ठीक है बस। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये इसको रख दिया है, अभी ये धीरे धीरे पकता रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आ रहा है, देखिए भाई पाजी पूरा देखो पूरा सामान धर रखा पाजी ने। और ले लो यार एक चीज लो, ले भाई वो तो कच्चा पक्का ही रहा है। चक अब मैं हाथ नहीं लगाना। तो देखिए भाई ये हमारी फाइनल स्टिक है, ऑलमोस्ट हमने एंजॉय कर लिया अपना। तो अभी ये लास्ट वाली स्टिक रह गई है, इसे निपटा के फिर अपना पूरा सामान इकट्ठा करके फिर सोते हैं, ठीक है ना, क्योंकि टाइम भी 11 बज गए ना, 11:30 हो गए, 11:30 बज गए, फिर सोते हैं यार, सर्दी भी होने लगती है। सो देखिए भाई दोस्तों, 12:30 बज चुके हैं रात के। सो अभी जो हमारे पास एक और नए लोग कैंपिंग करने आए थे जहाँ सेम लोकेशन पर, वो लड़के आकर बैठ गए जहाँ हमने बॉनफायर की हुई थी, वहाँ उनसे बातें वगैरह करते रहे। वो जहाँ एक नीचे IIT है उनके स्टूडेंट है वो। सो चलिए भाई अब सोते हैं यार, क्योंकि अब नींद भी आ रही है और ठंड बहुत ज़्यादा है यार, टेम्परेचर -3-4 degrees हो चुका है, मेरे ख्याल से चार पहुँच गया है, बहुत ज़्यादा ठंड है। ये बड़ी मोटे वाली जैकेट पहन रखी है मैंने, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है यार। ये देखिए ये मेरा सेटअप, ये रेडी है, मैंने इसको फोल्ड किया ही नहीं था, ऐसे ही रखा हुआ है, कल का सुबह मैंने फोल्ड नहीं किया, ऐसे बस अपना रख लिया, अब इसके ऊपर बस सो जाएंगे। तो चलिए यार गुड नाइट। अगर चलो इस वीडियो को भी हम लोग यहीं पर एंड कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई सुबह और नई वीडियो में। ये ऐसा कुछ हाल है मेरे स्त्री का, ये मेरा बेड है, ये पूरा खाली हो जाएगा, इसके ऊपर सोते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए TSK ट्रैवल वर्ल्ड के साथ। गुड नाइट।